तो वेलकम बैक निबा निबी जून के पापाज एंड मम्मीज। गाइस आज हम एक न्यू गेम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सिटी स्काईलाइन 2। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आज तक कभी ट्राई नहीं करा, मैं सीधा सेकंड पार्ट खेलने वाला हूं। अगर मुझसे सिटी बनाने में कोई भी गलती हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं भाई अपनी गलती को सुधार के एकदम तगड़ी सिटी बनाऊंगा। तो अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक मैप सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे अपनी सिटी कहाँ पे बनानी है। तो मुझे बैरियर आइलैंड सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्डेबल एरिया 41% है और यहाँ का टेम्परेचर एकदम सही है भाई, 10 डिग्री टू 29 डिग्री, ज्यादा ठंड होती ही नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया मौसम है। और यहाँ पे भाई देखो रेल भी है और शिप भी है एंड एयरप्लेन सब है भाई, यहाँ पे सब अवेलेबल है। तो मैं ये सेलेक्ट मैप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं एजेंट सिटी, ठीक है भाई, स्पेस डाल देते हैं बीच में। और मैं ट्यूटोरियल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भाई मैं पहले से ट्यूटोरियल देख चुका हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सिटी बनानी आ चुकी है। तो जल्दी चल के अपनी सिटी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस क्या ग्राफिक है यार सिटी स्काईलाइन 2 के। मैंने सिटी स्काईलाइन 1 के थोड़ी बहुत वीडियोस देखी है लोगों की, बट यार ये ग्राफिक तो बहुत तगड़े हैं। अभी ये फुल पोटेंशियल पे है ही नहीं भाई, हाई पोटेंशियल पे है ही नहीं ग्राफिक, मीडियम ग्राफिक है जब जाके देख तगड़े चल रहे हैं। अगर मैं हाई पे कर दूंगा तो यार मेरी गेम बहुत ज्यादा लैग होगी। और ये देखो भाई छोटा सा आइलैंड भी मेरा ही है ये एरिया, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ना, ये देखो ये बाउंड्री हमारा एरिया बताती है, इसके अंदर अंदर का एरिया सारा मेरा है। और ये भाई क्या तगड़ा ब्रिज लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार ये वाला ब्रिज, बहुत ओल्ड स्टाइल लग रहा है, मतलब जैसे इंग्लैंड अमेरिका में होते हैं ना भाई ओल्ड स्कूल वाले, वो वाला ब्रिज लग रहा है। और ये देखो भाई पावर कनेक्शन यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, तो हमें पावर कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा विंड मिल लगाने की या कुछ और चीज, कोल माइन बाद में लगाएंगे वो लगाएंगे तो। और ये देखो भाई यहाँ से सामने शिप भी आ रहा है, तो भाई यहाँ पे हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अपनी सिटी बिल्ड करना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ एक हाईवे को ना अपनी सिटी से कनेक्ट करने के लिए मैं एक डबल लेन का हाईवे को आगे तक बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल सामने यहाँ तक, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो ये आइलैंड भी मेरा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना बाद में इससे कनेक्ट करके यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, क्योंकि मेरे घर के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार सारा पोल्यूशन सिटी में आएगा तो यार यहाँ के लोग थोड़े गुस्से हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे तो हमारी सिटी में नहीं आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक यहाँ से हल्की सी लाइन 90 डिग्री पे एक रोड बना के पावर, तो ये ग्रिड है ना भाई, देखो ग्रिड से मैं क्या करता हूँ एरिया सेलेक्ट कर, यहाँ पे एरिया बनाना पड़ेगा, मैं इतना बड़ा रखता हूँ। अबे ये तो कुछ ज्यादा आगे तक हो गया गाइज, मैं इतना बड़ा भी रखूंगा एरिया, क्योंकि अभी ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है इन चीजों की कि यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं सब चीज स्लो स्लो करूंगा। अब मैं मार्किंग चालू करता हूँ यहाँ पे, पहले मैं रेसिडेंशियल एरिया करूंगा मार्क, ये हो गया 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 ये वाला भी, ठीक है ना। अब मैं करूंगा भाई कमर्शियल जोन मार्क, एक ये वाला कमर्शियल हो गया एंड एक ये वाला नहीं करूंगा, ये वाला कमर्शियल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बाद में बनाऊंगा और इंडस्ट्रियल एरिया में बाद में बनाऊंगा, आप लोगों को पता ही है, मतलब पहले ये वाला। और भाई ये देखो यहाँ पे काम होना चालू भी स्टार्ट भी हो गया, और बिजली की पहली बिजली की दिक्कत आनी चालू हो गई, पानी की दिक्कत आनी चालू हो गई भाई, और सीवर की दिक्कत आनी चालू हो गई। तो यहाँ पे मुझे ना लाइन डालनी पड़ेगी, और सबसे मेन बात सबसे बढ़िया ये है कि भाई यहाँ पे ना रोड्स में, जैसे ये रोड है ना ये, इनमें पहले से ही पाइपलाइन डली हुई है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक वायर की लाइन डली हुई है, तो सारा काम अंडरग्राउंड है, कुछ भी ऊपर दिखेगा ही नहीं, यार ये सबसे बढ़िया चीज थी। तो भाई अब मुझे ये लाइन ना इस वाली रोड से कनेक्ट करनी है, तो मुझे यहाँ पे पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। ये पावर प्लांट कहाँ गया, पावर स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर स्टेशन लगाना पड़ेगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, ये मुझे स्टेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये मैं यहाँ लगाऊंगा बिल्कुल, जिससे ये रोड से कनेक्टेड हो ये, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ। और एक ये मुझे ये यहाँ से ये लगेगा ये, ठीक है भाई, अब इनको देखो बिजली की दिक्कत खत्म हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत तो खत्म हो जानी चाहिए। अब यार अब ये क्या हुआ, प्लान फ्लॉप, ओ नहीं 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 हो गया हो गया हो गया हो गया, यस भाई मैंने पहला काम एकदम बढ़िया तरीके से कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ यार पहले ना इनकी पानी की समस्या दूर करूं, देखो भाई वहां पे भी कमर्शियल एरिया चालू हो चुका है, ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताना। और मैं यहाँ पे ना इनकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, पहले पानी की सॉल्व यहाँ से होगी। ये देखो भाई एक यहाँ पे वाटर पंपिंग स्टेशन है, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा पानी का फ्लो कहाँ से आ रहा है, ये देखना पड़ेगा पानी का फ्लो कहाँ से आ रहा है, पानी का फ्लो यहाँ से है, नहीं यार ये पानी का फ्लो ना थोड़ा उल्टा सीधा से जा रहा है यहाँ पे, तो आई थिंक ये मैं यहाँ लगाऊंगा तो सही रहेगा, जहाँ तक है पानी का फ्लो उतना भी कुछ वो नहीं है। और यहाँ पे एक पाइपलाइन आई थिंक, नहीं पाइपलाइन नहीं, बस मुझे यहाँ पे एक रोड कनेक्ट करना है यहाँ पे,
और ये अपने आप काम सारा चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि रोड्स में आप लोगों को बताया ही है, रोड्स में सारा काम, ये ग्रिड नहीं यार, ये नॉर्मल वाला, ये ग्रिड क्यों सिलेक्ट रहता है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, क्या तगड़ा लग रहा है ये देखो, एक मिनट ये देखो भाई, ओ भाई ये देखो एसी भी लगा हुआ है, एंड ये देखो, ओ भाई क्या मस्त लग रहा है ना, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ रही है तो मुझे रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं इसको रोड से कनेक्ट करता हूँ। और ये देखो भाई इसमें ना इतनी खतरनाक डिटेलिंग दे रखी है ना भाई, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इसे खेलने में। तो ये बस मुझे यहाँ से एक रोड मार, ये रोड बनाना है, मैं थोड़ा टेढ़ा सा ही बना देता हूँ रोड, कोई दिक्कत, अरे नहीं यार रुक जाओ, मैं सीधा कनेक्ट करता हूँ ना रोड, इतना इतना टेंशन क्यों लेना है बे, इतना टेंशन क्यों लेना है, रोड सीधा बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत खत्म, सब चीज़ की दिक्कत खत्म, बस पानी इन पे पहुंच रहा है, देखो पानी पहुंचा क्या भाई, पानी हाँ पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की देखो प्रॉब्लम खत्म, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम खत्म। अब मुझे बनाना है एक ये भाई ड्रेनेज पाइप बनाना है, मतलब ड्रेनेज के लिए कुछ करना है भाई, जो सीवर का पानी वहां से निकले, तो ये भी यहीं पे होगा आई थिंक, ये क्या है, ये है ग्राउंड वाटर पंपिंग स्टेशन, ये अभी किसी काम का नहीं है, ये वाटर टावर भी किसी काम का नहीं है, ये पाइपलाइन तो हमारे अभी किसी काम की नहीं है, ये तो वहां लगेगी जहाँ पे रोड्स नहीं होंगे। और ये रहा भाई सीवेज आउटलेट, ये देखो ये लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एकदम सही है, और इसको मुझे बस कनेक्ट करना है, ये रही पाइपलाइन सीवेज की, इसको जूम करके भाई अच्छे से कनेक्ट करता हूँ मैं, ये कनेक्ट हो गई, आई थिंक हो चुकी है, क्या लगता है ये हो गई, नहीं यार ये तो नहीं हुई, अब तो हो गई होगी यार, ये कहाँ कनेक्ट हो रही है, मैं कर कहाँ रहा हूँ कुछ भी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, ये क्या हो रहा है भाई, भाई क्या हो रहा है भाई। ऑल राइट गाइस, देखो सारी की सारी तुम्हारे भाई ने यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, और यहाँ पे देखो भाई कितने सारे घर बन चुके हैं यार, और इतने बढ़िया बढ़िया घर लग रहे हैं ना, मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, मुझे पता नहीं था यार स्पीड में स्पीड से क्या होगा, बट भाई ये मैंने स्पीड बढ़ाई और यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे के सारे घर बन चुके हैं, और यहाँ पे भाई लोगों की देखो भाई पॉपुलेशन देखो अभी 47 है, 47 लोग यहाँ पे अभी आके रह रहे हैं, और यहाँ के भाई देखो भाई क्या बढ़िया सिटी बनी है अपनी यहाँ की, और ये देखो यहाँ पे ये कमर्शियल एरिया देखो है यहाँ पे क्या क्या बना है, और भाई इसकी डिटेलिंग यार, इस गेम की डिटेलिंग बड़ी प्यारी है, ये क्या है, आई थिंक ये कोई बार्बर शॉप है, अच्छा ये बार्बर शॉप है, इतनी बड़ी बार्बर शॉप भाई इंडिया में, इतनी बड़ी बार्बर शॉप मैंने तो नहीं देखी भाई, मैं तो यहाँ पे 100 रुपए में बाल कटवा लेता हूँ, इतनी बड़ी नहीं होती यहाँ पे, क्या बोला तूने? मैं तो यहाँ पे 100 रुपए में बाल कटवा लेता हूँ। यहाँ तो भाई कम से कम $100 लेंगे यहाँ पे, मैं नहीं जाने वाला यहाँ पे। और ये देखो भाई यहाँ पे एडवर्टाइज हेयर, अच्छा यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपनी है ये, ठीक है भाई, और ये क्या है, डेनिम्स भाई यहाँ पे डेनिम्स मिलेंगी, सही है, और यहाँ पे आई थिंक कोई आइसक्रीम पार्लर टाइप यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे भाई बहुत सारे स्टोर बन चुके हैं, और मेरा प्लान ही यही था भाई, हाईवे से कनेक्ट करने का ये प्लान था कि हाईवे से यहाँ पे लोग आएंगे घूमने के लिए और स्टोर पर रुकेंगे, फिर उनको ये सिटी पसंद आएगी तो वो यहाँ पे आके रुकेंगे, और भाई क्राउड देखो यार, क्राउड आ रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई मेरी सिटी में क्राउड नहीं आ रहा हो यार, घरों की डिटेलिंग देखो तुम लोग, घर की इतनी प्यारी डिटेलिंग कर रखी है ना इन लोगों ने, बहुत प्यारी डिटेलिंग कर रखी है, और ये देखो भाई यहाँ पर सनरूफ वनरूफ, और ये देखो पूल यार सब है भाई, मैं तो दीवाना हो गया इस गेम का, मैं इस गेम को नहीं छोड़ने वाला भाई, व्यूज आए ना आए कोई मैटर नहीं करता, इसकी वीडियो जरूर आएगी भाई, अब इसकी वीडियो जरूर आएगी, और अगर आपको इसकी डेली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि भाई हाँ भाई इसकी डेली वीडियो डालो। और ये देखो भाई मैंने यहाँ पे छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया बनाना भी स्टार्ट करा है, यहाँ पे लगाई है मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे देखो कुछ कुछ बन भी गई है, और भाई एक पॉपअप तो मेरा हो ही गया, मुझे लग रहा था मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सब चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मैं अपना बोले जा रहा था बट, और यहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्री बन भी गई, नहीं तो आपको सब बनाते हुए दिख जाता। और ये देखो भाई यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये हाईलैंड स्ट्रीट है, स्ट्रीट का नाम है ये, और ये क्या है, रस्ट बकेट, रस्ट बकेट करके कोई फैक्ट्री आई थिंक ये, और ये क्या है, ये भाई पता नहीं कौन कौन से क्या क्या इंडस्ट्री खुली हुई है, बट कोई नहीं सही है, पोल्यूशन नहीं कर रही अभी इतनी, ये सही चीज़ है कि पोल्यूशन नहीं कर रही, देखो यहाँ की चिमनियों में से पोल्यूशन ही निकल रहा, ये सही अच्छी चीज़ है भाई, अपनी ग्रीनरी का ध्यान रखा हुआ है, नहीं यार ये वाली कर रही है, ये वाला कितना पोल्यूशन कर रही है, देखो भाई स्मोक कितना तगड़ा लग रहा है, आपको सिनेमैटिक मोड पे करके दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखो भाई ये देखो भाई जैसे भाई असली में निकलता है ना धुआं ऐसे निकल रहा है, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है, फैक्ट्री किस चीज़ की है ये पता नहीं यार, अभी नहीं दिखा रहे, आई थिंक सिनेमेटिक मोड से बाहर जाना पड़ेगा जब दिखाएगा भाई, रस्ट बकेट करके ही कोई है यार, पता नहीं किस चीज़ के भाई, कोई नहीं बट
काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पे, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई इस गेम को खेलने में। और देखते हैं और देखते हैं मैं सिटी में क्या कर सकता हूँ और क्या ऐड कर सकता हूँ। आई थिंक यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, यहाँ पे लो डेंसिटी रेजिडेंट डिमांड। ओ भाई डिमांड इसकी ज्यादा हो रही है क्या? अब मेरी यहाँ पे पॉपुलेशन हो चुकी है 89,000। ओ 89,000 बोलो, 89 ही है बस। वो मैं कुछ और देख रहा था, मैं पैसे देखने लग गया और मैंने 89,000 बोल दिया। और ये क्या है भाई, ये टाइनी टॉयज भाई, टॉयज की फैक्ट्री। ये टॉयज की फैक्ट्री नहीं, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर है एक तरीके से। एंड ये क्या चीज है ये भाई, पता ही नहीं क्या चीज है। यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है क्या यार? लोग यहाँ पे पेट्रोल कहाँ से भरवाएंगे? और देखो ये देखो अंकल भाई अपने कुत्ते के साथ क्या खड़े हैं भाई, अपने यार्ड में जॉन नाम है इनका, जॉन ऑर्टेगा। और कुत्ते का नाम क्या है भाई? कुत्ते का नाम भी आ रहा है, कुत्ते का नाम भी आ रहा है, प्रीशियस। ओ भाई ये सही है। और ये बाइक पे बंदा कहाँ जा रहा है, ये बाइक पे बंदा कहाँ जा रहा है? इसको फॉलो करते हैं, मैं इसको फॉलो करते कहाँ जा रहा है, ये देखते कहाँ जाता है ये। चल भाई मुझे बता तू कहाँ जा रहा है भाई, हार्ले डेविडसन चला रहा लौंडा। ये सही है। ऑल राइट गाइस, तुम्हारे भाई ने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, देखो टाइनी विलेज का। कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे भाई को, आ चुका है प्रोग्रेस पैनल। ठीक है भाई प्रोग्रेस पैनल पे चलते हैं। अच्छा लोन लिमिट बढ़ गई है मेरी, 1 लाख डॉलर है क्या है पता नहीं यार, 1 लाख डॉलर हो चुका है। मैप टाइल्स भी बढ़ गई है और सिटी बजट भी बढ़ चुका है भाई, बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी है। और देखो हेल्थ केयर का भाई एक ऑप्शन आ चुका है। ठीक है भाई, मेडिकल क्लिनिक और सेमेट्री। भाई देखो यार, देखो बंदे रहते हैं तो ये सब चीज़ें तो लगी रहती है, तो बीमारी बीमारी लगी रहती है, तो मुझे एक मेडिकल क्लिनिक बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आई थिंक। तो मैं देखता हूँ कहाँ से बना सकता हूँ, ये है क्या या ये है, ये रहा भाई एक मेडिकल क्लिनिक। और मैं सोच रहा हूँ इसे कहाँ बनाऊँ, इसका एरिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे 2 मेडिकल क्लिनिक होने चाहिए, एक नहीं तो दो, तो यहाँ ये सही है, यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सही है। और एक सेमेट्री बनानी पड़ेगी, एक सेमेट्री मैं सोच रहा हूँ एकदम कोने में बनाऊँ, ये इधर नहीं इधर, इधर बनाते हैं इधर। ठीक है भाई, एक सेमेट्री बन गई, एक यहाँ पे बन गया हॉस्पिटल, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भाई क्लिनिक कितना तगड़ा लग रहा है यार, भाई कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे कुछ एम्बुलेंस एम्बुलेंस भी होती है क्या भाई, होगी क्या? ओ व्हीकल इन यूज एरिना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, व्हीकल इन यूज लिखा हुआ है ब्रो, मुझे मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे एम्बुलेंस वाला भी सीन होगा, बट नहीं भाई, अगर कोई बीमार होगा तो यहाँ से एम्बुलेंस जाती दिखेगी क्या मुझे? गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मुझे नहीं पता। ये भाई सही है। और यहाँ पे मैंने सेमेट्री बनाई थी ना, सेमेट्री कहाँ गई? सेमेट्री 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 वो इस साइड बनाई थी। ठीक है ठीक है। ओ भाई कितनी बड़ी है, इतने तो बंदे ही नहीं है, इतनी बड़ी सेमेट्री बन गई यहाँ पे। और भाई कितनी तगड़ी लग रही है ये देखो, यहाँ से रात को निकलेंगे भूत और सिटी में घुस के भाई सबको पी लेंगे। ओ भाई अगर ऐसे और लग गए ना, ज़ॉम्बी आ गए सिटी में, तो बड़ा मजा आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और आई है आई थिंक, ये क्या है, लैंडफिल। अच्छा जहाँ पे लोग अपना कूड़ा कबाड़ा मतलब जहाँ पे इकट्ठा होगा, ये जब जरूरत होगी तब बनाऊंगा, अभी नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है भाई अभी इसकी, अभी नहीं, जब जरूरत होगी। अभी तो यार कुल मिला के 115 लोग हैं यहाँ पे, 115 लोगों में क्या होता है यार, 115 लोग में कुछ भी नहीं होगा। और मेरी इंडस्ट्रियल एरिया चेकआउट करता हूँ भाई, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या चल रहा है यार, यहाँ तो बन क्यों नहीं रहा यहाँ पे कुछ, मैं समझ नहीं पा रहा। आई थिंक इसको मुझे फिर से मार्किंग करनी पड़ेगी क्या, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बन क्यों नहीं रहा? मार्क तो मैंने कर रखा है बट यहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है आई थिंक भाई, यहाँ पे डिमांड क्यों नहीं है? अच्छा डिमांड अभी किस चीज़ की चल रही है वो देखना मुझे बहुत ज़रूरी है आई थिंक यहाँ पे। रुको मैं डिमांड देखता हूँ भाई, अवेलेबल ऑफ जॉय अनऑक्यूपाइड बिल्डिंग। ठीक है गाइस, अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे मीडियम डेंसिटी वाले भाई हाउसिंग आ चुकी है, क्योंकि भाई उसकी डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी डिमांड बढ़ेगी हमको वो कंट्रोल करना है बस इस गेम में। तो ये मैं पहले, मुझे इसके लिए भाई मार्किंग करनी पड़ेगी। रुको मार्किंग से पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक रोड, उसका मैं अलग ही बनाऊंगा ना। ये रुको यहाँ से पहले इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, रुको पहले जूम कर लेता हूँ अच्छे से। मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ से बस, अरे यार 90 डिग्री बन जाना, 90 डिग्री बन चुका है। अब मैं निकालता हूँ ग्रिड, ग्रिड से यहाँ करके भाई थोड़ा यहाँ पे, एंड एंड मुझे यहाँ भी बनाना था बट यार ये एरिया मैं छोड़ अभी खाली छोड़ देता हूँ, इसको मैं बाद में देख लूंगा यहाँ पे मैं क्या बनाऊँ। अभी यहाँ पे भाई मीडियम डेंसिटी वाले हाउसिंग बनाते हैं। ये रहे, इसको यहाँ मार्क करो, यहाँ मार्क करो, यहाँ मार्क करो, यहाँ मार्क करो, और यहाँ भी बना दूँ क्या?
यार ये सेमेट्री के बगल में नहीं बनाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। इसको यहाँ बना सकते हैं, यहाँ नहीं यहाँ यहाँ बनाए क्या यार? यहाँ पे कमर्शियल एरिया भी तो बनाना ज़रूरी होगा। कमर्शियल एरिया नहीं बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ बना देता हूँ, यहाँ सही रहेगा, यहाँ पे कमर्शियल एरिया बन जाएगा, ठीक है ना? सही है। और मैं कमर्शियल एरिया भी मार्क कर देता हूँ, ये भाई मीडियम डेंसिटी वाले अभी नहीं आएंगे कमर्शियल एरिया, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कमर्शियल एरिया ये और ये, क्योंकि भाई अगर देखो यहाँ उसकी डिमांड रहेगी तो वो भी है। ये बनना भी चालू हो गए भाई, मीडियम डेंसिटी वाले भी बनना चालू हो गए यार, सही है भाई, मजा आएगा। गाइस ये देखो मेरे से भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे लग गया ट्रैफिक, और ट्रैफिक इसलिए लगा क्योंकि यार यहाँ पे ना कोई गोल चक्कर नहीं, मतलब जैसे ये होता है ना राउंड राउंड वाले, ये यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे भाई जाम नहीं लगेगा, तो मुझे ये लगाने पड़ेंगे हर बीच बीच में, क्योंकि यही ट्रैफिक को अच्छे से कंट्रोल करेंगे। यार देखो आप लोगों को नॉर्मल चीजें तो पता ही होती है, मतलब ये चीजें ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए होती है, घूमने मतलब गाड़ी आराम से घूम के जाएगी और सही तरीके से आएगी जाएगी, तो ये सही होगा, ये कॉर्नर पे तो नहीं। एंड ये चीज मुझे सिटी में भी करनी जरूरी है, सिटी में यहाँ लगाएंगे, और मेन सिटी का कहाँ, मेन सिटी का ये रहा और ये रहा एंड ये और ये, भाई हो गया यहाँ पे काम डन 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 डन। अब यहाँ पे ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लोग ना भाई गुस्सा हो रहे थे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में कि यहाँ पे ट्रैफिक एकदम लग रहा है, क्योंकि ट्रक आते हैं भाई, ट्रक को चाहिए होती है घूमने के लिए बहुत सारी जगह। देखो भाई अब मैंने ट्रक लगा यहाँ पे, वो लगा दिया ना, तो यहाँ पे कुछ भी जाम नहीं लग रहा, देखो आराम से जा रहे हैं घूम घूम के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सब हैप्पी है, सब हैप्पी है। और 101 की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, तो सही है यार, 111 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और भाई यहाँ पे सेमेट्री में अभी से लोग आना चालू हो गए हैं यार, इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे लोग, मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करा यहाँ पे, और यहाँ पे कूड़े फेंकने की समस्या अभी आई नहीं है, जब आएगी तब कर लेंगे अगर बोलेंगे तो लोग, है ना यार? पहले से पहले क्यों खर्चा करूँ मैं अभी? वैसे ही देखो भाई कितने एक्सपेंसिव हो चुके हैं, मेरे एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये देखो भाई मेरा बजट इतना है ही नहीं, मेरे एक्सपेंस बढ़ गए हैं भाई, मैं माइनस में चल रहा हूँ तरीके से, तो मुझे अभी ना इस गेम को कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं इसको अच्छे से दिमाग लगा के सीखना पड़ेगा यार इसको। और मैं अभी लोन ले सकता हूँ बट मैं नहीं लूंगा अभी, लोन वोन नहीं लेना, और मैं भाई थोड़े टाइम तक अभी कुछ नहीं बनाऊंगा, गलती मेरे से ये हो गई है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री कम बनी है, इंडस्ट्री इसलिए कम बनी है। और ये देखो भाई ये देखो यहाँ पे आई थिंक किसी को चोट लग चुकी है, वेटिंग फॉर एम्बुलेंस, भाई एम्बुलेंस कहाँ है? मैंने हॉस्पिटल बनाया तो था, एम्बुलेंस कहाँ है भाई? एम्बुलेंस को वहां से आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल यहाँ बनाया था, एक हॉस्पिटल मुझे लग रहा है वहां भी बनाना पड़ेगा भाई, दिक्कत हो जाएगी ये तो, एक हॉस्पिटल छोटा सा यहाँ भी बनाना पड़ेगा इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए भाई, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा, लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे और मेरी सिटी में कोई नहीं रहेगा फिर यहाँ पे। बट यार अगर मैंने यहाँ पे एक और हॉस्पिटल बनाया तो मेरे एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अभी प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ना बहुत ज्यादा एरिया मार्क कर दिया, ये देखो भाई सिटी से बड़ा मैंने इंडस्ट्री एरिया मार्क कर दिया, और इतनी ये खाली पड़ा है, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही, बने तो कुछ होगा ना, बनी नहीं रही है, तो भाई मुझे ये सब चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यार मजा आ गया, कितनी इंटरेस्टिंग गेम है, और कुछ गलतियां मेरे से अभी हो रही है, क्योंकि मेरे एक्सपेंसिस ना मेरे प्रॉफिट से बहुत ज्यादा है, तो वो गलती को मैं नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा, मैं सीख के आऊंगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर देना यार।